टॉपिक बताएं हमारा क्या चल रहा था, बाजीराव, बालाजी बाजीराव हम पढ़ रहे थे ना। इसका एक्चुअल नेम बेटा बालाजी बाजीराव था, और बालाजी बाजीराव से पहले आपने बाजीराव फर्स्ट को पढ़ा था। बालाजी बाजीराव के बारे में आप लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम देखा वो एक युद्ध था, जिस युद्ध का नाम था, जोर से बोले तो, पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कल आपके सामने आ चुका था। और पानीपत के तीसरे युद्ध को मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, बता भी दिया था। फटाफट आप लोग मेरा रिवीजन कराएं, मुझे बताएं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, कौन से वर्ष हुआ? 1761। आप लोगों को इसी पानीपत के तीसरे युद्ध के साथ साथ कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे, 10 से 12 उन क्वेश्चन को रिवाइज करके फटाफट एक एक दो दो लाइन में आज थोड़ा सा लिखने का काम निपटा लेंगे और आप लोगों के मराठों की पावर का एंड कर देंगे। फोकस कीजिएगा एक बार फिर से, आप लोगों ने पानीपत के तीसरे युद्ध को देख लिया और तीसरे युद्ध में एक तरफ आप लोगों को दिखाई देंगे मराठा और दूसरी तरफ कौन था, जोर से बोलो, अहमद शाह अब्दाली कहां का रहने वाला था, कहां से था, तो अफगानी विदेशी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली का युद्ध पानीपत के मैदान में किससे होगा, मराठों से। और इस समय मराठा निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति दिल्ली में मौजूद था, अरे कौन सा भाऊ, जोर से बोलो, याद आ गया, इस सदाशिव राव भाऊ को दिल्ली पर कब्जा करने के लिए किसने भेजा था। तो मैं फिर कह रहा हूं कहानी की तरह याद रखोगे कैरेक्टर तो याद रहेंगे, और रटोगे तो कुछ याद नहीं रहना, रटवाने वाले बहुत हैं, इन चीजों को स्टोरी की तरह याद करवाना मेरा काम है। फोकस करो एक बार फिर से, आप एक बार फिर स्टोरी को जोड़ो। बालाजी बाजीराव ने सदाशिव राव भाऊ को भेज दिया और जाकर कहा कि दिल्ली को देख लो। सदाशिव राव भाऊ दिल्ली गया और दिल्ली को जीत लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन कुछ ही समय में विदेशी आक्रमणकारी, इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान से भारत की तरफ आया। तो मराठों के बढ़ते हुए वर्चस्व से, बढ़ती हुई पावर से सबसे ज्यादा जो चिंतित थे वो निजाम थे, वो नवाब था। तो नवाब और निजामों ने मिल करके अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट की, किसके विरोध में सपोर्ट की, मराठों के। इसीलिए 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का थर्ड बैटल हुआ वो मराठे हार गए, और मराठों की हार के साथ ही मराठा पावर का डेकलाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि बालाजी बाजीराव वो मराठा पेशवा था जिसने राजा राम के साथ मिलकर के एक संधि, एक ट्रीटी की थी, और उस ट्रीटी के अनुसार, उस संधि के अनुसार जितनी भी राजकीय शक्तियां थी, शासन करने की पावर थी, वो अपने कंट्रोल में कर लेती। ये चीज ऑलरेडी कल मैंने बता दी थी। तो अब मराठा डेक्लाइन होने शुरू हो गए, और मराठाओं के डेक्लाइन में एक दो पेशवाओं के नाम और उनसे जुड़ी कुछ संधियां, और फिर आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्धों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आंग्ल मराठा युद्ध से, मराठा युद्धों से जुड़ी हुई संधियों से पूछा जाएगा। वो आपसे पूछेगा सूरत की संधि का संबंध कौन से आंग्ल मराठा युद्ध के साथ है, वो पूछेगा सालबाई की संधि का संबंध कौन से मराठा बैटल के साथ है, और आपसे कभी कभी वो पूछ लेगा पहले दूसरे और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का वर्ष मैचिंग करा लेगा। मैचिंग के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो वो क्या कहेगा इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे वो आपको तीनों के तीनों मराठा युद्ध अंग्रेजों के साथ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ चेंज कीजिए, और पैराग्राफ चेंज करने से पहले फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं, अहमद शाह अब्दाली विदेशी था और भारत की तरफ से मराठा जो है वो लड़ रहे हैं अहमद शाह अब्दाली से, और मराठाओं के तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा है? इब्राहिम खान गर्दी। याद आ गया, ये किसके कैनन डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, जोर से बोलो। तो मराठाओं का तोपची कौन था, और इब्राहिम लोदी भी था एक, यस और नो? और ये इब्राहिम लोदी कौन से पानीपत के युद्ध में था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम राजा, किसके विरुद्ध लड़ा? बाबर के। और बाबर ने इसको पराजित करके लोदी वंश का कर दिया एंड, और यहां पे मराठा पावर का लगभग एंड कर देगा कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो इब्राहिम जहां भी रहे वहीं पर क्या मिली? हार। समझ रहे कि नहीं? अब ऐसा वास्तविकता में नहीं है, मैं तुम्हें याद करने का सिर्फ तरीका बता रहा हूं। कभी आप लोग सोचो कि कहीं भी इब्राहिम मिले वहीं हार है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें याद करने का तरीका बताया है। आगे बढ़िए, इब्राहिम खान गर्दी का पॉइंट मैं लिखवा चुका था, लिखे। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद
बालाजी बाजीराव की डेथ के बाद, बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधव राव अगला पेशवा बना, बिकम नेक्स्ट पेशवा। माधव राव बिकम नेक्स्ट पेशवा, अगला पेशवा बना, पेशवा बना। ठीक है, तो माधव राव से जुड़े दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कम के हैं। स्टोरी तो कितनी बड़ी बना लो और नोट्स भी कितने भर लो, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये, एक तो इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1761 में कौन मर गया था? बालाजी, जोर से बोलो बालाजी। और 1761 से 1772 तक कौन दिखाई देगा? माधव राव। ये अपने टाइम का प्रभावशाली इफेक्टिव पेशवा है। अब प्रभावशाली पेशवा क्यों है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसने हैदराबाद के निजाम को, अब आपके याद आएगा, कर देने के लिए बाध्य किया, टैक्स देने के लिए बाउंड किया, बाध्य किया। अब मैं यहां पे जब कर शब्द यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पे दो चीजें लिख रहा हूं, एक तो चौथ और एक, जोर से बोलो बेटा, इन वर्डों को याद कर लो, सरदेश मुखी। ये कोई कॉमेडी के वर्ड नहीं है, ये आपके एग्जाम के वो क्वेश्चंस हैं, वो पूछता है कि चौथ जो कर था या टैक्स था वो किससे संबंधित है। आंसर आ गया मराठा। किससे रिलेटेड था? अरे चौथ का मतलब है 1/4, 1/4। और सरदेश मुखी भी आपका एक टैक्स था, एक प्रकार का कर था। ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ करों के नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ ऋण यानी कि लोन के नाम भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे तकावी ऋण से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आप लोगों के आता है, तकावी ऋण पढ़ा था, तकावी लोन पढ़ा था। तो ऐसे ही आप लोगों को यहां पर क्या पढ़ना है, चौथ क्या है? टैक्स है। सरदेश मुखी क्या है? टैक्स है। और ये दोनों टैक्स देने के लिए किसको बाध्य किया गया? निजाम। निजाम कहां का था? हैदराबाद। और इसे इस चीज के लिए बाउंड कौन कर रहा है? माधव राव। और याद कर लीजिए इस पॉइंट को कि माधव राव को हैदराबाद के निजाम ने टैक्स दिया था। एक पावरफुल चीज दिखाई दी गई कि इसने हैदराबाद के निजाम की गिरबान पकड़ के उससे टैक्स वसूल लिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और याद रखेगा, इस समय की अगर मैं बात करूं 1761-1762 की, जो इस समय मुगल बादशाह था, वो मुगल बादशाह अंग्रेजों के अंडर काम कर रहा था, अंग्रेजों के अंडर अपने शासन का संचालन कर रहा था। वो शाह आलम अपने अंग्रेजों के अंडर के शासन को छोड़कर किसकी शरण में आ जाएगा? मराठों की। किसकी शरण में आ जाएगा? तो अगर अंग्रेजों को छोड़ करके मराठों की शरण में कोई मुगल बादशाह आ रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि ये मराठा पावरफुल है। कौन सा मराठा? माधव राव। तो माधव राव से जुड़े दो पॉइंट, एक मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों की शरण को छोड़कर किसकी शरण को एक्सेप्ट किया? माधव राव। और दूसरा पॉइंट आपके सामने, चौथ और सरदेश मुखी देने के लिए किसको बाध्य किया? हैदराबाद के निजाम। ये क्वेश्चन जब पेपर में बनते हैं ना मेडाइवल के, आप लोग झूम और घूम दोनों साथ जाते हो, समझ रहे हो? मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हैदराबाद के निजाम को निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने अपने कार्यकाल के दौरान चौथ और सरदेशमुखी के लिए बाध्य किया? तो आंसर बताएं, जोर से बोले, माधव राव। माधव राव पेशवाओं के क्रम में निम्नलिखित में से किसके बाद बनने वाला पेशवा था? किसके बाद? बालाजी बाजीराव एक महान या महत्वपूर्ण पेशवा था जिसने निम्नलिखित में से किस राजा से मराठाओं के शासकीय अधिकारों को अपने अंडर ले लिया था? राजा राज सेकंड। अब देखो बच्चे आधे कंफ्यूज हो गए है ना, कुछ बच्चों का ध्यान लाइट पे है ना, गर्मी हो गई क्लास में, माहौल गर्मी से नहीं क्वेश्चंस की हीट से निकालो, समझ रहे हो? जो क्वेश्चन के आंसर की आवाज बाहर आनी चाहिए ना, उससे अपने आप माहौल बन जाएगा। बताओ फटाफट कौन सा राजा था? अब एक चीज और सुनिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कौन से मराठा शासक के दौरान हुआ? बालाजी बाजीराव की मृत्यु कौन से युद्ध के दौरान हुई? पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्ष कौन सा था? बालाजी बाजीराव की मृत्यु का वर्ष कौन सा था? माधव राव के पेशवा बनने का वर्ष कौन सा था? माधव राव ने किससे कर लिया निजाम? निजाम कहां का था? तो याद रखिए, दोनों पॉइंट फटाफट लिखिए। माधव राव ने हैदराबाद के निजाम को
हैदराबाद के निजाम को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए बाध्य किया, कर यानी कि टैक्स देने के लिए बाउंड किया, बाध्य किया, कर यानी कि टैक्स देने के लिए बाध्य किया। अब जहां कर लिखोगे वहां पे चौथ सरदेशमुखी लिख लीजिएगा। सरदेशमुखी बेशक ना लिखो लेकिन चौथ तो बिल्कुल लिखना है आप लोगों ने। चौथ सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य किया, बाउंड किया। पैराग्राफ चेंज। इसी के समय में, इन हिज टाइम पीरियड, इसी के समय में मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड अंग्रेजों की शरण छोड़कर, अंग्रेजों की शरण या संरक्षण को छोड़कर मराठों के संरक्षण में आ गया। अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर मराठों के संरक्षण में आ गया, मराठों के संरक्षण में आ गया। संरक्षण में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, माधवराव 1772 तक शासक दिखाई देगा, पेशवा के रूप में एक शासक दिखाई देगा, लेकिन ये पेशवा 1772 में मर जाएगा। इसकी मृत्यु का कारण जो किताबें बताती हैं वो एक बीमारी जिसको आप टीबी कहते हैं, समझ रहे हैं ना, लंग्स यानी कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी इसकी मृत्यु का कारण थी। कोई युद्ध करते हुए नहीं मरा बल्कि टीबी के कारण मर गया। और इसके बाद मराठा पावर का एक्चुअल डेक्लाइन होना शुरू हो गया। एक्चुअल डेक्लाइन का मतलब वास्तविक पतन होना शुरू हो गया। इसके बाद जो एन माधव राव नाम का अगला पेशवा आएगा, वो पेशवा सिर्फ एक साल तक पेशवा दिखाई देगा और बाकी आने वाले पेशवा भी कुछ ज्यादा खास नहीं होंगे। पावर किसकी बढ़ती चली जाएगी? अंग्रेजों की, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1772 के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी, याद आ रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन से वर्ष आया? 1773 का। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई। क्या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया भारत में नियम और कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को तय करेगा? क्या इस एक्ट के द्वारा यह तय हो चुका था कि भारत के कुछ भागों में अब शासन कौन करेंगे? अंग्रेज। कौन करेंगे? और याद रखिएगा, 1770 से 1775 तक अंग्रेजों ने जितनी भी शासन करने के लिए अनिवार्य बिल्डिंग्स हैं, आवश्यक भवन हैं, उन सभी का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर लिया था। कहां पर? कलकत्ता में। कहां पे कर लिया था बेटा? तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कुछ खामा खा के यहां याद करवा रहा हूं, पेपर में काम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन की शुरुआत कहां से की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला बैंक कहां स्थापित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली राजधानी किसको घोषित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक तो मैंने बता दिया, पहली आर्थिक राजधानी के रूप में बंदरगाह किसे विकसित किया? और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी कलकत्ता में बनाई पहली सुप्रीम कोर्ट। तो पहली सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, पहली कैपिटल कलकत्ता, पहला विकसित बंदरगाह कलकत्ता, पहला आर्थिक क्षेत्र भी कलकत्ता, व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र भी कलकत्ता। और इसी कलकत्ता से शुरुआत की किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन की। और शासन करने के लिए जो युद्ध लड़े वो भी कहां लड़े? कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में। जैसे कलकत्ता यानी कि उस समय का बंगाल का पूरा क्षेत्र था और इस बंगाल से सीमा बनाता है बिहार, और इसी क्षेत्र में आप लोगों ने एक युद्ध पढ़ा था बेटा, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? याद आ रहा है। और फिर इसी बिहार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक और पार्ट, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और दोनों ही युद्धों को आपने कहा कंक्लूसिव वॉर यानी कि निर्णायक युद्ध। इस युद्ध के बाद तय हो गया शासन कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन नाक में नकेल कौन बने हुए हैं? मराठा। तो अंग्रेजों को अब मराठा से क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। इन्हीं युद्धों को कहते हैं
आंगल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा बैटल। तो उन्हीं एंग्लो मराठा बैटल की तरफ चलते हैं दो लाइनें लिखने के बाद। लिखेगा 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद, 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव अगला पेशवा बना, बिकम नेक्स्ट पेशवा, अगला पेशवा बना जिसके चाचा रघुनाथ राव ने, इसके चाचा का नाम था बेटा रघुनाथ राव, जिसके चाचा रघुनाथ राव ने खुद पेशवा बनने के लिए, जिसके चाचा रघुनाथ राव ने खुद पेशवा बनने के लिए खुद पेशवा बनने के लिए 1773 में इसकी हत्या कर दी, 1773 में इसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। हत्या कर दी, ठीक है। तो इस स्टोरी को थोड़ा सा जोड़ के चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक बार फिर से मुझे बताएं, आप लोग बालाजी बाजीराव के बाद अगला शासक, अगला पेशवा कौन बना? माधव राव के बाद नारायण राव के चाचा का नाम रघुनाथ राव ने किसको मारा? नारायण राव को मारने का कारण खुद पेशवा बनना, कौन चाहता था? और इसके लिए किसे मारेगा? नारायण राव गया, क्या पेशवा बना रघुनाथ राव? नहीं बना। लोगों ने कहा कि नारायण राव का बेटा ही पेशवा बनने का अधिकार रखता है, और इस पेशवा का नाम क्या होगा? पैराग्राफ चेंज, लिखेगा नारायण राव के बेटे माधव नारायण राव को, नारायण राव के बेटे, सिर्फ केवल माधव वर्ड जोड़ना है बाकी वो ही रहेगा, नारायण राव के बेटे माधव, नारायण राव को, माधव नारायण राव को अगला पेशवा बनाया गया, नेक्स्ट पेशवा अपॉइंट किया गया, अगला पेशवा बनाया गया, अगला पेशवा बनाया गया। अगला पेशवा बनाया गया माधव नारायण राव वर्ष 1795 तक, 1795 तक, माधव नारायण राव वर्ष 1795 तक, 1795 तक मराठा पेशवा रहा। ठीक है, अब इसी के समय में एक संधि, एक ट्रीटी आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनाती है। आप लोग गूगल पे जाके सर्च करना ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि। सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन डाल पूछता है कि सूरत की संधि किस वर्ष हुई, वो पूछेगा सूरत की संधि के अनुसार मराठों को कहां पे अटैक ना करने के लिए कहा गया, वो आपसे पूछेगा सूरत की संधि के समय मराठा पेशवा कौन था। समझ रहे कि नहीं? अंग्रेजी अधिकारी याद नहीं करना हर जगह, कुछ जगह याद करना है लेकिन हर जगह याद नहीं करना। लेकिन मराठा शासक कौन था? माधव नारायण राव, और वर्ष था 1775, 1775, और संधि का नाम पेपर में आने वाली फेवरेट संधियों में एक है। जोर से बोलो। अच्छा, सूरत कहां पड़ता है? जोर से बोलो। गुजरात की राजधानी? अरे बताओ, गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा बनाता है, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य। कच्छ का रण कहां पर है? गिर, जिसमें एशियाई बब्बर शेर सबसे अधिक पाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य कहां है? दोबारा बोलो। कच्छ के रण में निम्नलिखित में से किस जीव को संरक्षण प्राप्त है? जंगली गधा। कौन सा गधा? तो जंगली गधे को संरक्षण कहां दिया गया? कच्छ के रण, और कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात। ये भारत का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है, यस और नो?
गुजरात की अगर बात करें तो आप लोग गुजरात से संबंधित एक ऐतिहासिक या हिस्ट्री में एक बंदरगाह पढ़ते हैं जिसे प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में देखा गया, उसका नाम है लोथल। क्या नाम है बेटा? लोथल। अच्छा, अभी रिसेंटली एक साइट बड़ी चर्चाओं में आई, करंट अफेयर में आई, धोलावीरा। यस और नो? कितने बच्चे करंट अफेयर देखते, पढ़ते, समझते, लिखते हैं? धोलावीरा कहां पर है? जोर से बोलो। और इस धोलावीरा को यूनेस्को ने एक हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। और ये बड़ा ही काम का क्वेश्चन 110% होने वाला है। वो पूछेगा निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट में रिसेंटली घोषित किया गया? धोलावीरा कहां पर है बेटा? तो मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ा तो मराठे रहा था लेकिन ले आया तुम्हें धोलावीरा पे। तो चीजों को करंट अफेयर के साथ भी मैच करते चलना। अगर गुजरात की बात करोगे तो साबरमती नदी, और साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी। अगर गुजरात की बात करोगे तो नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही यहीं पर बना है एक बांध। कौन सा बांध? जो सरदार सरोवर बांध। याद रखिएगा, गुजरात की अगर आप बात करोगे तो गुजरात की एक सिटी, सिटी का नाम अहमदाबाद। अहमदाबाद सूती वस्त्र की एक जगह, इकट्ठी मिलों के कारण फेमस है, इसीलिए यहां पर अहमदाबाद को कहा जाता है पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन? दोबारा बताओ, पूर्व का बोस्टन। आप एक रिवर, एक नदी पढ़ते हैं, जिस नदी का, जो नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, नाम बताएं। जोर से बोलो। निम्नलिखित में से उस नदी का नाम बताएं जो अरब सागर की तरफ बहती है लेकिन अरब सागर में गिरने से पहले ही लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी है? तो लूनी रिवर भी काम की है आप लोगों के लिए। और एक नदी अभी मैंने बताई, साबरमती। और नर्मदा, नर्मदा बेटा गुजरात में से बहती है, निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश। कहां से निकलती है? जब आप पढ़ेंगे ना सतपुड़ा और विंध्यांचल पर्वत, और उनके बीच में रिफ्ट वैली से बहती हुई दिखाई देगी, कौन? नर्मदा। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना। अब जिस चीज पे मैं मेनली लेके आने वाला था आपको, वो पार्ट फटाफट नोट कीजिए, पैराग्राफ चेंज करें। लिखेगा, हेडिंग बनाइएगा, सूरत की संधि 1775। हेडिंग बनाए बेटा, एक दो लाइन का पार्ट है, सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 1775। सूरत की संधि 1775। अब समझ लीजिएगा, पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करके चलूंगा, एक भी डाउट मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के दिमाग में हो। संधि कौन सी है बेटा? वर्ष कौन सा है? पेशवा कौन है? ना, माधव नारायण। अब क्लियर हो गया ना? बताओ दोबारा, इस समय पेशवा कौन था और माधव नारायण राव का बाप कौन था? नारायण राव का चाचा कौन था? पेशवा कौन बनना चाहता था, इसलिए इसने किसको मार दिया? लेकिन नारायण राव का बेटा क्या बन गया? क्या बन गया? अब इस पेशवा का नाम क्या है? क्या इस डिसीजन से रघुनाथ राव खुश है? बताओ। उथल पुथल का माहौल है, समझ रहे कि नहीं? उथल पुथल का माहौल है। नारायण राव का चाचा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि माधव नारायण राव शासक कैसे बन गया, पेशवा कैसे बन गया। तो रघुनाथ राव, जो भी इसको साम दाम दंड भेद मिल रहा है, हर एक पॉलिसी को खोजने की कोशिश कर रहा है। और इसी पॉलिसी को खोजने के बीच में इसके पेशवा रहते हुए 1775 में अंग्रेजों की बंबई सरकार से, कौन सी सरकार से? बंबई सरकार से हाथ मिलाने पहुंच जाएगा। कौन? रघुनाथ राव। अब दिमाग में आप लोगों के बात मैप की तरह बन जानी चाहिए कि सूरत की संधि किस किस के बीच थी? रघुनाथ राव और बंबई अंग्रेजी सरकार। किसके विरुद्ध होगी? माधव नारायण। षड्यंत्र रचना शुरू हो चुका है, लेकिन षड्यंत्र का कोई ज्यादा विशेष नुकसान नहीं होगा। नोट करें, लिखेगा, यह संधि, यह ट्रीटी, यह संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों की बंबई सरकार के बीच हुई। रघुनाथ राव और अंग्रेजों की बंबई सरकार के बीच हुई
अंग्रेजों की बंबई गवर्नमेंट के बीच सरकार के बीच हुई। इस संधि के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस संधि के अनुसार अंग्रेज 2500 सैनिकों के साथ विद 2500 सैनिक 2500 सैनिकों के साथ 2500 सैनिकों के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में 2500 सैनिकों के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे इन सैनिकों का खर्चा रघुनाथ राव को उठाना होगा। इन सैनिकों का खर्चा रघुनाथ राव को उठाना होगा। और भविष्य में कभी भी मराठे बंगाल और कर्नाटक पर अटैक नहीं करेंगे। भविष्य में कभी भी मराठे बंगाल और कर्नाटक पे आक्रमण या अटैक नहीं करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो संधि हो गई भाई। अब देखो, ध्यान से सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, बेशक कम लिखो समझो ज्यादा, लिंक जोड़ते चलो, जहां लिंक कटा वहीं कहानी खत्म। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी, यही है हिस्ट्री। इतिहास सिर्फ लिंक का खेल है, स्टोरी का खेल है। जैसे बचपन की कोई कहानी आपके दादा, आपकी नानी, आपके घर में किसी ने सुनाई होगी, तो उस कहानी को आप लोगों के शायद वो कहानी आज भी याद हो, लेकिन उस कहानी का कहीं ना कहीं कोई छोटा सा लिंक अगर हट गया तो पूरी कहानी आपकी क्या हो जाती है, बेकार। जो ट्विस्ट आना होता है ना, वो खराब हो जाता है। हो जाता कि नहीं? तो ऐसे ही ट्विस्ट हिस्ट्री में अपने सिलेबस में लेना है। फोकस कीजिए एक बार फिर, आप लोगों को मेरी से ज्यादा नॉलेज हो चुकी है, तो थोड़ी सी मेरी नॉलेज को भी शार्प करते रहा करो। बालाजी बाजीराव रिलेटेड विद अ बैटल विद अ वॉर, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, 14 जनवरी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद आप लोगों ने देखा बालाजी बाजीराव ऊपर, और इसके बाद 1761 में अगला कौन बना? माधव राव। 1772 तक रहा। कब तक रहा? 1772 तक रहा। प्रभावशाली था। हैदराबाद के निजाम से कहा कि मुझे टैक्स चाहिए। निजाम ने कहा ले लो साहब। शाह आलम सेकंड जो मुगल बादशाह था, अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़ के उसके अंडर आ गया और आके कहने लगा कि अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर मुझे यहां महसूस हो रहा है और मुझे प्रोटेक्शन दो। मराठों ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मराठा उस समय क्या थे? पावरफुल थे। 1772 में टीबी से मर गया कौन? और माधव राव के बाद कौन आया? नारायण राव आया, लेकिन एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्प्रेसी का शिकार हो गया। इस षड्यंत्र को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका चाचा। चाचा का नाम दोबारा बोले, रघुनाथ राव ने 1773 में, एक तरफ तो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है और एक तरफ ऊपर जा रहा है कौन? नारायण राव को किसने मारा? रघुनाथ राव। और नारायण राव का क्या संबंध था? चाचा भतीजा। चाचा कौन था? भतीजा कौन था? मरा कौन? मारा किसने? अरे मारने वाले के मन में कोई ना कोई तो लालच रहता है, हाँ या ना? कोई ऐसे ही थोड़ी किसी का कत्ल कर देगा। कत्ल करने के पीछे लालच क्या था? पेशवा बनना। क्या बनना? लेकिन रघुनाथ राव की इच्छा दबी रह गई और पेशवा बन गया माधव नारायण राव, सन ऑफ नारायण राव।
तो माधव नारायण राव अगला पेशवा बना 1774 में, 1774 में या 73-74 में, और माधव नारायण राव को मारने के लिए षड्यंत्र करने लगा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव इस षड्यंत्र को करते 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 1775 में अंग्रेजों की बंबई सरकार से हाथ मिलाकर एक संधि करेगा। संधि का नाम जोर से बोलो बेटा, सूरत की संधि कौन से वर्ष हुई? एक तरफ अंग्रेजों की बंबई सरकार, दूसरी तरफ कौन? रघुनाथ राव और अंग्रेजी सरकार के बीच में हाथ मिला। रघुनाथ राव को कितने सैनिक मिले? 2500 सैनिकों का खर्चा कौन उठाएगा? क्या भविष्य में कभी भी मराठा, कर्नाटक और बंगाल पर अटैक करेंगे? अंग्रेजों ने कहा कि तुम पेशवा बनो, कोई दिक्कत नहीं, 2500 सैनिक अभी भेज रहे हैं, खर्चा तुम उठाओगे 2500 सैनिकों का, और पेशवा बनने के बाद भविष्य में कभी भी कर्नाटक और बंगाल पर अटैक नहीं करोगे। रघुनाथ राव ने कहा कि बिल्कुल भी अटैक नहीं करूंगा, बस केवल क्या बना दो? पेशवा। तो बंबई सरकार ने हाथ मिला लिया, रघुनाथ राव खुश हो गया और युद्ध शुरू होगा। अब पहला आंगल मराठा युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा? तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि रेडी करके युद्ध भूमि में लाकर खड़ा करने की। अब आपके मन में यह डाउट नहीं होना चाहिए कि आंगल मराठा युद्ध क्यों हुआ। अब आपके मन में यह डाउट नहीं होना चाहिए आंगल मराठा युद्ध का रीजन क्या था। अब आपको यह भी क्वेश्चन डाउट में नहीं होना चाहिए कि आंगल मराठा युद्ध का कारण कौन सी संधि थी। सूरत की संधि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। क्या कुछ है? कहानी के रूप में कुछ लग रहा है क्या ये? अरे मराठाओं के नाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं सिक्वेंस में याद रखो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, मैं वैसे भी बहुत लिमिटेड चीजें लिखवा रहा हूं पेपर के, और पेपर में आने वाली चीजें आपको मिल रही हैं बस। ठीक है, तो अब पृष्ठभूमि रेडी हो चुकी है आप लोगों की, प्रथम आंगल मराठा युद्ध। अभी हेडिंग मत डालो, डाल ली हेडिंग काट दो, आ जाओ लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करें। सूरत की संधि के बाद, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि के बाद अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश आर्मी, अंग्रेजी सेना ब्रिटिश आर्मी वर्ष 1775 में, 1775 में कर्नल किटिंग के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ कर्नल किटिंग, यानी कि इस आर्मी को लेके लीड कौन कर रहा है? कर्नल किटिंग। आगे किटिंग, पीछे 2500 सैनिक। कर्नल किटिंग के नेतृत्व में अब नेतृत्व में तक रुक जाओ और मुझे बताओ कहां पहुंचनी चाहिए, कहां पहुंचनी चाहिए? तुक्का मार रहे हो, संधि कहां पर हुई? और सूरत के पास में एक मैदान। पेपर में आया 95% बच्चे गलत करके आए, आज मैं याद दिला रहा हूं, और 100% जो बच्चे प्रैक्टिस सेट करते होंगे उनके सामने क्वेश्चन आया होगा आरस का मैदान। कौन सा मैदान? आरस का मैदान। ठीक है, ये आरएस अग्रवाल नहीं है, मैथ्स वाले वापस आओ। कौन सा मैदान है? अब सूरत में पहुंच गया कौन? आप लोग आंसर दो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कुछ भी हिस्ट्री के बारे में। आंसर्स आप लोग देंगे, युद्ध अब आप लोग करवाएंगे। अब युद्ध में कर्नल कटिंग, मुझे नहीं पता तुम में से कौन बनेगा, लेकिन फील करते रहना और बताओ कर्नल कटिंग कहां पहुंचेगा, कौन सी संधि के अनुसार? ये सूरत की संधि किसके बीच हुई? और बंबई की ब्रिटिश सरकार, यस और नो? बंबई की ब्रिटिश सरकार ने किसको भेजा, कितने सैनिकों के साथ, कहां भेजा, कौन से वर्ष में, किसके फेवर में, किसके विरोध में, कहां पहुंची सेना, और सूरत के पास में कौन सा मैदान, और इस युद्ध को कहा जाएगा आरएस के मैदान का युद्ध। 1775 युद्ध होगा। युद्ध का निर्णय निकलने से पहले ही इस सूरत की संधि पर ऑब्जेक्शन कर देगी कलकत्ता की ब्रिटिश सरकार। यहां पे ब्रिटिश सरकार के दो डिवीजन तुम्हें याद रखने हैं, एक डिवीजन कलकत्ता में है और एक बंबई में है। बंबई इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बंबई के पास, बंबई महाराष्ट्र से संबंधित है, किससे संबंधित है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ही कौन थे? मराठा। इसीलिए बंबई से ब्रिटिश सरकार ने मराठों का विरोध करना इसके साथ मिलकर शुरू कर दिया। लेकिन कलकत्ता की ब्रिटिश सरकार कहेगी कि ये बंबई की ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है,
मराठों के विरोध में क्यों लड़ रही है? मराठों से इस युद्ध को अभी रोक दिया जाए, और जैसे ही कलकत्ता सरकार इसको रोकने के लिए बोलेगी, ये सूरत की संधि रिजेक्ट हो जाएगी। कौन सी संधि रिजेक्ट हो जाएगी? और जान बच जाएगी किसकी? समझ गए कि नहीं? अरे सब राजनीति है बेटा, सब पॉलिटिक्स है। अभी समझाऊंगा इस पॉलिटिक्स को। ये दो कुत्तों वाली पॉलिटिक्स है, टू डॉग्स, टू बार्किंग डॉग्स। वो अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, एक गेट लगा हुआ है, ये स्लाइड गेट है, इसके इस साइड में कुत्ता है, इस साइड में कुत्ता है, दोनों भौंक रहे बुरे तरीके से, एक दूसरे को चीरने फाड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही गेट गेट खोला तो दोनों एक दूसरे के सामने आराम से खड़े हो गए, फिर गेट बंद किया, फिर दोनों तुरंत भौंकना शुरू, फिर चीर फाड़ करने के लिए तैयार, फिर गेट खोल दिया, फिर आराम से खड़े हो गए। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? ये जो दीवार है ना, ये पॉलिटिक्स वाली, ये पक्ष और विपक्ष को क्या करने पे मजबूर करती है? भौंकने पे। क्या करने पे? अरे तुम लोग राजनीति में वैसे लेके मत जाओ, तुम लोग यहां हो ना, तुम लोग पता नहीं कहां चले जाते हो। तो यहां पे दो कुत्तों वाली जो स्टोरी है, ये मैं आपको किससे जोड़ के पढ़ा रहा हूं? अरे माधव राव और रघुनाथ राव, समझ रहे हैं कि नहीं? युद्ध तो इन दोनों के बीच में था, लेकिन यहां पे दो कुत्तों वाली पॉलिटिक्स बंबई सरकार और कलकत्ता सरकार के बीच शुरू हो गई। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों शुरू हो गई? क्योंकि कलकत्ता सरकार चुपचाप मिल गई माधव नारायण राव से, और खुल्लम खुल्ला रघुनाथ राव ने किसको जोड़ लिया? बंबई सरकार। पावरफुल तो कलकत्ता था, यस और नो? शासन की शुरुआत तो कलकत्ता से हुई, तो पावरफुल कौन सी गवर्नमेंट होगी? कलकत्ता। इसीलिए कलकत्ता का ऑर्डर बंबई को मानना पड़ा, और इस ऑर्डर के अनुसार कौन सी संधि रिजेक्ट हो गई? सूरत। और ये कहानी यहीं के ही रुक गई, और 1795 तक पेशवा बनकर रहेगा कौन? खत्म करें इस स्टोरी को। किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट है तो मैं दोबारा फिर से शुरू कर दूंगा, बता देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लिखो पहले, फिर दोबारा रिवाइज करवाता हूं, नोट कीजिए, लिखिएगा, हेडिंग बनाइए, क्या लिखा? किसके नेतृत्व में? कर्नल किटिंग के नेतृत्व में, लिख लिया इतना, सूरत, सूरत ब्रिटिश सेना पहुंची, सूरत में ब्रिटिश सेना पहुंची, और 18 मई 1775 को आरस के मैदान में, इन द फील्ड ऑफ आरस, आरस के मैदान में 1775 मई 1775 में आरस के मैदान में मराठों और अंग्रेजों के बीच, बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिशर्स, मराठों और अंग्रेजों के बीच भयंकर, डेंजरस, अनिर्णायक, जिसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा, है? इच्छा है बेटा, खतरनाक लिख लो, भयावह लिख लो, लिख लिया, भयंकर अनिर्णायक युद्ध हुआ। अनिर्णायक युद्ध का मतलब जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, भयंकर अनिर्णायक युद्ध हुआ, अनिर्णायक युद्ध हुआ। अब युद्ध का तो कोई डिसीजन नहीं निकला, तो अपने पद पर कौन है? माधव नारायण राव। विरोध कौन कर रहा है? रघुनाथ राव। विरोध किसमें पैदा हो गया? बंबई और कलकत्ता की ब्रिटिश सरकार। कलकत्ता ब्रिटिश सरकार के पास जैसे ही सूचना पहुंची कि बंबई ब्रिटिश सरकार आरस के मैदान में युद्ध लड़ रही है, तो इसने कहा ये हो क्या रहा है? ये युद्ध लड़ने के लिए रघुनाथ राव की तरफ से बंबई की सरकार को जाने के लिए किसने कहा? इन्हें रोको, और रोकने के लिए एक बीच का समाधान निकालो, और वो बीच का समाधान या सॉल्यूशन क्या था? संधि। क्या था? संधि। याद रखिएगा, अगर कोई युद्ध बेटा अनिर्णायक होगा, जिसका कोई डिसीजन नहीं निकला होगा, तो उस युद्ध को खत्म करना पड़ेगा क्या करके? संधि करके। आप लोग जैसे लड़ाई करते हो, फिर बाद में हाथ मिलाते हो ना, गले मिलते हो, कोई बात नहीं, आज के बाद दो तूने मेरे मारे, दो मैंने तेरे मारे, खत्म। समझ रहे हो?
बस तुम लोग कहते हो कि दो तूने मेरे मारे, दो मैंने तेरे मारे, ये कहते तो दस मैंने तेरे मार दिए, दस तूने मेरे मार दिए, इतना क्षेत्र मेरा तेरे पास, इतना क्षेत्र तेरा मेरे पास, वापस कर दे। इतने सैनिक मेरे तेरे पास अरेस्ट है और इतने तेरे मेरे पास, मेरे तेरे पास अरेस्ट है, वापस ले लो और दे दो, बात खत्म। तो यही संधि होती थी। और यहां पर जो संधि हुई, पेपर में कितनी बार पूछी गई, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो सूरत की संधि के बाद सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संधियों में अगर कोई आती है तो वो कौन सी है? पुरंदर की संधि। एक सेकंड रुक जाओ मेरे साथ, अभी के अभी याद कीजिए, अभी के अभी बोलकर याद करना है, बिल्कुल कलम मत चलाओ, यहां पे रुक जाओ। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, 1774 कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट, 1775 सूरत की संधि और पहला आंग्ल मराठा युद्ध, 1776 पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि कौन से वर्ष हुई? जोर से बोलो। 1775 कह रहा है कोई? 75 के बाद क्या आता है? कौन सी संधि हुई? 76 से पहले क्या आता है? कौन सी संधि हुई? सूरत की संधि के द्वारा कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब एग्जाम के कितने घूमे फिरे क्वेश्चन आए, आपके पास सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण कौन सी संधि? सूरत की संधि में निम्नलिखित में से कौन सा मराठा था? कौन था बेटा? कर दिया ना गड़बड़। अरे मैंने कहा सूरत की संधि में कौन सा मराठा था? तो माधव नारायण राव क्यों बोल रहे हो? अब क्या करोगे? अब तो गोला भर गया, अब क्या करोगे? ब्लेड ले रहे हो? अब ऐसा करने में तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी पता है ना, उंगली आर पर हो गई, शीट रद्द और जिंदगी झंड, मिला कुछ। इसीलिए तसल्ली बख्शो अपने आप को। अब दोबारा पूछो क्वेश्चन, अब तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब बताओ मुझे सूरत की संधि में कौन सा मराठा था? अब दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, कौन सी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी? कौन सी विरोध करेगी? कौन सी ब्रिटिश गवर्नमेंट का? बंबई ने किससे हाथ मिलाया? कौन पहुंचा? कितने सैनिक लेकर? कहां पहुंचा? कौन से मैदान में? यहां पे कौन था? किससे लड़ा? क्या डिसीजन निकला? ए निर्णय। और फिर संधि हुई पुरंदर, वर्ष था 1776। बच्चे कहते हैं कि सर संधियों के वर्ष याद नहीं रहते, तुम याद ना करते और ना करने का तुम्हें तरीका पता, तो याद कैसे रहेगा? मैं तुम्हें एक रिवीजन करवाऊं, 15 क्वेश्चन बैक टू बैक आप लोग आंसर देंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, समझ रहे ना? आप गुरु मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट ही क्वेश्चन पूछता है ना, तो पूछो गुरु जी से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन। अरे कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं एक अकेला विद्यार्थी और मेरे कितने सारे गुरु हैं, सौभाग्य है कि नहीं है? अच्छा आप लोग इस चीज को मजाक में ना लें, हमेशा याद रखना, अगर विद्यार्थी शिक्षक से कुछ सीख रहा है तो हर एक पल में शिक्षक भी विद्यार्थी से कुछ सीखता है, समझ रहे? और जो ये सोच के बैठा है कि मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, मैं पूर्ण हूं, वो फिर कलंक है अध्यापक के नाम पर। ऐसे अध्यापक से बचें, जिसे कह दिया ना कि सारी दुनिया का ज्ञान मेरे ही पास है, कभी कोई 100% हो सकता है? अपने एक्सपीरियंस से बताओ, क्या 100% हो जाओगे? हो जाओगे क्या? अब आप कहोगे कि सर कुछ बच्चे मैथ्स में या अदर सब्जेक्ट में 10th 12th में 100 में से 100 ले आते हैं, वो 100% है? नहीं बेटा, वो रट्टू तोते हैं, सीरियसली उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है, वो सीरियसली रट्टू तोते हैं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आप लोगों को, याद रखना 10th 12th के बच्चों का। प्रैक्टिकली भी है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन मैक्सिमम उनमें क्या है, रट्टू तोते, और रट्टू तोते बन के काम नहीं चलता जिंदगी में, ठीक है? प्रैक्टिकल चीजों को सीखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल चीजें, क्वेश्चन मेरे आंसर आपके फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल से शुरू कर दूं, बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाला, जोर से बोलो। अब जिन बच्चों ने सुन लिया ना, नए बच्चे हैं, उन्होंने सुन लिया बेटा, क्या सुना? अली वर्दी। अब दोबारा बताओ क्या सुना? बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाला कौन था? 1756 में ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला से पहले बंगाल का नवाब कौन था? जोर से बोलो।
अली वर्दी खां के बंगाल का पावरफुल नवाब रहा। निम्नलिखित में से ब्लैक होल की घटना में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी बचा? हॉलवेल बच गया। और हॉलवेल के बचने के कारण एक युद्ध की स्थिति पनपी। इस युद्ध को कहते हैं प्लासिका। प्लासिका युद्ध कौन से वर्ष हुआ? जोर से बोलो। 1757 का कौन सा युद्ध? 1759 का कौन सा युद्ध? बेदारा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदारा। सुनिएगा, बेदारा का युद्ध इंडियंस के साथ नहीं था, बल्कि यूरोपियन वर्सेस यूरोपियन। वांडीवाश का युद्ध यूरोपियन वर्सेस यूरोपियन। प्लासी का युद्ध इंडियन वर्सेस यूरोपियन। बक्सर का युद्ध इंडियन वर्सेस यूरोपियन। अब फिर बताओ, प्लासी का युद्ध कब हुआ? बेदारा का युद्ध कब हुआ? जोर से बोलो। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ? जोर से बोलो, वांडी। 1761 में कोई मर गया पानीपत के तीसरे युद्ध में। अरे सारी सारी स्टोरी देखो सीक्वेंस में आ गई। 1757, 59, 60, 61, 62 आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलो, इतना भी सीक्वेंस मत मिलाओ, वापस आओ। अब वापस आना नहीं, आगे बढ़ना है। 72, 73, 74, 75, 76। कितना आसान है हिस्ट्री, तुम टेंशन लेके बैठे हो खामाखा। अब इसी सीक्वेंस को देखो। 1757 प्लासी का युद्ध, 1759 बेदारा का युद्ध, 1760 वांडीवाश, 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। हो गया, हो गया, निर्णय निकल गया। 1772 में कौन शासक बना? जोर से बोलो, माधव। माधव राव। 1700 जोर से बोलो, जोर से बोलो बेटा। बेटा 72 गलत कह रहे हो, कौन सा वर्ष है? और 1772 में कौन मरा? जोर से बोलो, नारायण राव के बेटे का नाम। नारायण राव को मारने वाला नारायण राव 1773 में मरा। हाँ या ना? पक्का? और 73-74 में शासक बना, इसके विरोध में कौन सी संधि, कौन से वर्ष में? 1775 में कौन सी संधि हुई? 1776 में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध का अंत थी? प्रथम आंगल मराठा युद्ध। और सूरत की संधि कौन से युद्ध की शुरुआत थी? प्रथम आंगल मराठा युद्ध। आंगल मराठा युद्ध का कारण सूरत की संधि और एंड पुरंदर की संधि। सूरत से शुरू और पुरंदर पर खत्म। कौन सा युद्ध? प्रथम आंगल मराठा युद्ध। बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।